नमस्कार मेरे पापा के दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आपने आवाज सुना वो मेरी छोटी बेटी निहारिका की थी। और जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठा तो जिद करने लगी कि पापा मैं भी बोलूंगी। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाल लेखन कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायत बुढ़िया में। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वाल लेखन के लिए हमने कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, कौन सा ब्रश है, कैसा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हम दोनों गुरु चेला निकले काम करने के लिए, तो हमारे दोस्त मिले और बोले कि तुम दोनों मोटू पतलू का जोड़ी बहुत अच्छा है, दोनों मोटू पतलू कहाँ जा रहे हो। हम बोले कि काम करने जा रहे हैं। और वो हमारे दोस्त इसलिए बोलते हैं हम लोग मोटू पतलू की, जैसे कि मोटू मोटू है और पतलू पतलू है, तो आप जानते हैं ना, वैसे मेरे गुरु जी मोटा है, मोटू है और मैं पतलू हूँ, बस इसीलिए दोस्त बोल जाते हैं मोटू पतलू की जोड़ी। और सच कहूँ दोस्तों, तो गुरु के साथ काम करने में आनंद ही कुछ अलग है। बहुत सारे मेरे दोस्त पेंटर लोग हैं, उनके साथ भी जाके काम किया, बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन गुरु के साथ जो काम करने का आनंद है ना, वो मत पूछिए। दोनों जब भी साथ में काम करते हैं, एक कंपटीशन की तरह काम करते हैं, यानी वो जल्दी वो जल्दी वो जल्दी, ऐसे करके हम लोग कंपटीशन करके काम करते हैं, तो हमारा काम भी बहुत फास्ट हो जाता है, हमारा जो काम है टारगेट से पहले निकल जाता है और मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करते हुए। मेरे गुरु को जितना भी तारीफ करूं दोस्तों, मेरे लिए बहुत कम है। मेरे प्रेरणादायक, मेरे मार्गदर्शिका, मेरे जीवन को एक नया दिशा देने वाले मेरे गुरु ही हैं बंसी आर्ट, और इनको मैं बहुत मानता हूं। फिलहाल जितना भी बात करूं गुरु की तो खत्म नहीं होगी। कलर मटेरियल की बात करते हैं तो दोस्तों, इस वॉल पेंटिंग को करने के लिए हमने बहुत चीप प्राइस का मटेरियल यूज़ किया है, इकोनॉमी इमल्सन। हाँ, इकोनॉमी इमल्सन पेंट जो आता है उसको यूज़ किया है बेस बनाने के लिए। और राइटिंग करने के लिए बाकी कलर वलर बनवाए हैं, मशीन से बनाया था ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ रेडीमेड मिला नहीं ना हमारे छोटे से कस्बे में, इसलिए हमको बनवाना पड़ा मशीन के द्वारा। और हमको रेड का मिला था, अपेक्स का यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले एक मिला था इसका, हाँ कॉक ब्रांड का, उसको यूज़ किए थे। कॉक ब्रांड में लिखने में उतना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन अपेक्स बहुत अच्छा है, मक्खन की तरह चल रहा है, अपेक्स से राइटिंग करने में अच्छा लग रहा है। और राइटिंग के लिए हम लोग वही नॉर्मली ब्रश जो आता है हार्डवेयर शॉप में, सिंथेटिक हेयर वाला, यानी जो मुलायम बाल वाले होते हैं, उससे राइटिंग कर रहे हैं। और ज्योति भारत का 1 इंची 2 इंची ब्रश है, उससे राइटिंग कर रहे हैं, उससे हो रहा है। अभी जो मेरे सर लिख रहे हैं वो सिंथेटिक हेयर का है, जो तमनार लिख रहे हैं छोटे ब्रश से। और जो बड़ा राइटिंग लिखे हैं, प्राकृतिक को सुंदर बनाए प्लास्टिक हटाएं, वो राइटिंग वो 1 इंच वाली ब्रश से लिखे हैं। और मैं अभी देखिए हाफ पैंट पहनकर और नॉर्मल टी शर्ट पहनकर पेंटिंग कर रहा हूँ। क्या है दोस्तों, पेंटिंग करने जाते हैं ना तो हल्का फुल्का कपड़ा ही बहुत भाता है, कलर तो होना ही है, ड्रेस तो गंदा होना ही है, लेकिन वो बात अलग है। गर्मी के मौसम में पेंट पहनना बहुत दिक्कत हो जाता है, यानी कि समझ सकते हैं ना क्या बोलना चाहता हूँ। हाफ पेंट रहता है तो खुला खुला अच्छा लगता है, हल्के कपड़े रहते हैं तो अच्छा ठंडक महसूस होता है, तो हल्का फुल्का कपड़ा पहन के पेंटिंग करने जाते हैं। मतलब लाज शर्म की बात अलग है दोस्तों, और अपना कंफर्टेबल की बात अलग है, इसलिए ना हम लोग क्या बोलूँ, मुझे लाज शर्म नहीं लगता। हाफ पेंट में भी कहीं पर चला जाता हूँ पेंट करने के लिए, पेंटर हूँ भाई, अपना जो हुलिया है उसे तो चेंज नहीं कर सकते ना। अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, कलर लग जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, कितना कपड़ा बर्बाद करे भाई, पेंटर लोग हैं, हर दिन तो रंग रंगना ही है, इसलिए जो रंगा हुआ कपड़ा है उसी को पहन के जाते हैं। फिलहाल आप कैसे करते हो आप ही जानोगे, फिलहाल छोड़ो ये सब बातें। ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप एक पेंटर ही हो जो इस वीडियो को देखने के लिए रुके हो, वरना पेंटिंग को तो लोग ज़्यादातर देखते नहीं, बोरिंग सा उनको फील हो जाता है। जो पेंटिंग करते हैं, जो पेंटिंग के शौकीन हैं, वही ये सब वीडियो देखते हैं, वरना मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस पर नहीं टिक पाएंगे। अगर वैसा होता तो हमारा चैनल भी बहुत आगे जा सकता था, लेकिन शायद हमारे पेंटिंग में ही उतना दम नहीं है, उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं है हम लोग
इसलिए हमारा चैनल छोटा सा बन के रह गया है। अगर आप साथ देंगे हमारा इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करके, तो हमारा भी कुछ हो सकता है, वीडियो आगे जा सकता है और सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। फिलहाल आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें। हमारा तो काम है दोस्तों कि वीडियो बनाएं, वक्त मिले तो अपना जो काम है उसे शेयर करें। अब बस आज का पेंटिंग यही था, हम लोग स्वच्छता के बारे से पेंटिंग कर रहे हैं और मैं थोड़ा मोड़ा चित्रकारी कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बस इतना कर लेता हूँ कि काम चल जाए। फिलहाल मेरा चित्रकारी देखकर आप गैस कर सकते हो कि मुझे किस तरह की चित्रकारी आता है, ये तो आप ही जान सकते हैं। हो सके तो आप अपना कमेंट में राय दीजिए कि मेरा चित्रकारी कैसा है। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से कलर की बात करते हैं, तो हम लोग बेस के लिए इकोनॉमी इमल्सन का यूज़ किए हैं और इस पूरे वॉल लेखन में इमल्सन पेंट ही यूज़ किए हैं। सभी कलर जो है इमल्सन पेंट ही हैं। वैसे सब कलर रेडीमेड नहीं आते हैं, कई कलर को बनवाना पड़ता है। हमें रेडीमेड में यहाँ पर वाइट मिला था, ग्रीन मिला था, येलो मिला था और रेड मिला था। ब्लैक हमें नहीं मिला था, ब्लैक को बनवाए थे हमने। अपने एरिया में सुविधा के अनुसार जो कलर मिल जाए वही सही है हमारे लिए। और दोस्तों आज का पेंटिंग जो था बस यही है, और आज का मेरा वॉइस ओवर भी इतना ही है, इतने ही बातचीत है हमारे आज के इस वीडियो में। अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर।